अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सी शार्प ट्यूटोरियल्स। और आज से हम लोग सी शार्प के अंदर एक प्रॉपर डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे। डेस्कटॉप एप्लीकेशन का क्या मतलब है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वॉल्व होता है, GUI, ठीक है, विनफॉर्म्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा कामयाब और जो ट्रेडिशनल आपके पास जो आप देखते हैं शॉपिंग मॉल्स, मार्ट्स, शॉप्स, हर जगह पर जो सॉफ्टवेयर्स चल रहे होते हैं वो अमूमन आजकल विनफॉर्म्स पे बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब से जो है हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसके अंदर हम थ्रू आउट दी एप्लीकेशन सी शार्प के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करेंगे और किस तरह से सॉफ्टवेयर बनता है वो भी देखेंगे, अलॉन्ग विद डेटाबेस कि डेटाबेस में डेटा कैसे जाएगा और प्रॉपर, और साथ साथ रिपोर्टिंग को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो ये एक लंबी सीरीज़ होगी और इसकी हर वीडियो और ट्यूटोरियल जो है वो एक टाइम टेकिंग ट्यूटोरियल होगा, लेकिन मकसद ये होगा कि ताकि हम लोग एक प्रॉपर टू दी पॉइंट इन डेप्थ सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएं। क्लियर है ये बात? सो लेट्स स्टार्ट। विजुअल स्टूडियो 2013 यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। मैं न्यू प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर आज हम लोग ले रहे हैं विनफॉर्म्स एप्लीकेशन। इसका नाम मैं रख रहा हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन बन चुकी है हमारे पास। ये बिल्कुल उसी तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है जिस तरह से आप जे फ्रेम बनाते थे जावा में नेट बीन्स पर, ठीक है। अब इसी इंटरफेस के साथ हम लोग थोड़े से मामलात करेंगे। देखें, जब भी एक काम करते हैं ना तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन होती है, ठीक है, और फाउंडेशन के बगैर अगर आप काम करोगे तो आगे जाकर आपको बेतहाशा मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोगों ने पढ़ी है और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हुए हम लोग ये काम करेंगे। अगर आपने जावा में एप्लीकेशन बनाई थी तो उस जावा की जे फ्रेम के अंदर आपने देखा होगा एक जे फ्रेम खुलता था, दूसरा बंद होता था, फिर दूसरा खुलता था, तीसरा बंद होता था, इसी तरीके से खुल बंद ये जो है वो चल रहा था। लेकिन अगर आपने ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर देखे होंगे, फोटोशॉप ले लें या कोई और सॉफ्टवेयर ले लें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लें, तो वो ऐसा लगता है एक ही विंडो खुली हुई है और काम उसके अंदर अलग अलग हो रहे हैं। तो इस तरह का भी हम लोग मामला कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। वो किस तरीके से होगा वो भी डिस्कस करते हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, और इस विजुअल स्टूडियो को चलाना भी आपको जो है वो एक अच्छे तरीके से आना चाहिए। यहाँ पे कुछ बटन्स आ रहे हैं, अक्सर लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता ये विंडोज़ जो है वो कैसे रोकनी है, कैसे हाइड। ये देखें, अभी ऑटो हाइड हो रही है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे ऑटो हाइड के बटन पे तो ये फिक्स्ड हो जाएगी। नाउ इट विल नॉट हाइड, इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन कि आप इसको देखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ हैं और भी यहाँ पे विंडोज़ आ रही हैं। सर्वर एक्सप्लोरर, ये डेटाबेस के लिए है विंडो। टूल बॉक्स, जिस तरह वहाँ जावा में पैलेट होता था यहाँ टूल बॉक्स है। कॉमन कंट्रोल्स के अंदर आपके पास देखें सारे वही कंट्रोल्स आ रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सो ऑन। और भी कंट्रोल्स हैं जिनको हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। और फिर जो है डेटाबेस के लिए आपके पास डेटा सोर्सेज का यहाँ पर ये टैब है, अभी कोई डेटा सोर्स नहीं है तो इसको सिर्फ ये एक आइडिया दे रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोर को सबसे पहले विजिट करते हैं। और सॉल्यूशन एक्सप्लोर में अगर आप देखें तो कुछ नया नहीं सिवाय एक चीज़ के, और वो एक चीज़ है फॉर्म वन, ठीक है। बाकी program.cs आपको पता है, जब आप कंसोल एप्लीकेशन बनाते थे तो program.cs फाइल वहाँ पे मौजूद होती थी और उसमें void main होता था, ठीक है। और यहाँ पर ये जो CS वाली ये जो फॉर्म वन लिखा हुआ है, what does this mean, this is my class, क्लियर है ये बात। ये जो फॉर्म आपके सामने खुला हुआ है ये वो है, और इस फॉर्म के अंदर अगर आप ओपन करें इसको तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एक तो form1.designer.cs और दूसरा फॉर्म वन सिर्फ लिखा हुआ है। ये फॉर्म वन जो यहाँ पर गोल्डन आइकन बना हुआ आ रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। आपको पता है ये क्लास है क्योंकि ये आइकन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। designer.cs क्या काम करती है, आप यहाँ से टूल बॉक्स में से उठा के कोई लेबल रखोगे ना तो वो designer.cs के अंदर उसका कोड ऑटो जनरेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर
एक बटन उठा के रख रहा हूँ, आई हैव ड्रैग एंड ड्रॉप्ड अ बटन। नाउ जब मैं यहाँ पे आऊँगा और डिज़ाइनर सी एस की फाइल को ओपन करूँगा तो इसके अंदर मेरे पास ऑटोमेटिकली एक बटन का कोड हुआ हुआ आ रहा है। ये भी एक क्लास है, क्लियर है ये बात सब लोगों को? अच्छा आगे चलते हैं, मैं इस बटन को अभी रिमूव कर रहा हूँ और सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके फॉर्म वन पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर रहा हूँ MDI। ये कह रहा है कि आप इसको रीनेम तो कर रहे हैं, तो रीनेम अगर आप करेंगे तो जहाँ जहाँ ये फॉर्म वन इस्तेमाल हुआ है वहाँ वहाँ से आपको इसको MDI करना है। मैंने कहा बिल्कुल करना है, यस। ये देखें सब चीज़ें MDI के नाम से हो गई, ये बात क्लियर है सब लोगों को? क्लियर है। अच्छा अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को ऑटो हाइड से हटा देते हैं। ये देखें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ किस क्लास की है? इस फॉर्म क्लास की है, क्लियर है ये बात? अगर आप इस पर राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड पे जाएंगे तो देखें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीज़ें एडिड हैं, जिस तरह से हमने पिछली कंसोल क्लासेस में देखा था कि कौन कौन सी क्लासेस आपके पास आ रही थी। फिर आपके पास यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है और क्लास जो है वो पार्शियल क्लास है, आई विल डिस्कस दिस पार्शियल क्लास, बट करंटली आपके पास एक क्लास मौजूद है और उसके ऊपर इनहेरिटेंस हो रही है फॉर्म क्लास की। विन फॉर्म्स के अंदर जो बाय डिफॉल्ट इनहेरिटेंस होती है वो पेरेंट क्लास फॉर्म क्लास होती है। ये जो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देख रहे हैं ना वो इसकी बदौलत है, क्लियर है ये बात? इनहेरिटेंस दैट मीन्स दिस MDI क्लास जो कि मेरी अपनी बनाई हुई क्लास है, मेरा अपना बनाया हुआ फॉर्म है, इट विल इनहेरिट ऑल द फीचर्स ऑफ द फॉर्म क्लास, ऑल द मेथड्स, ऑल द प्रॉपर्टीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लियर है ये बात? दिस इज द कंस्ट्रक्टर, वो जो हम न्यू करके लिखते हैं, एम्प्लॉय OBJ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, वो न्यू एम्प्लॉई जो आगे लिखते थे वो कंस्ट्रक्टर होता था। यहाँ पर देखें ये कंस्ट्रक्टर यहाँ बना हुआ है और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मेथड कॉल हुआ हुआ है और ये मेथड किधर है? ये मेथड आपको डिज़ाइनर में मिलेगा यहाँ पे, ये रहा, आ रही है बात समझ में? तो ये मेथड यहाँ से कॉल हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके की समझ से परे हो, सब कुछ हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट देखे। पार्शियल क्लास क्या होती है? ये जो पार्शियल क्लास लिखा हुआ है, पार्शियल क्लास इज अ क्लास दैट इज ब्रेकड इनटू पार्ट्स, मतलब क्या है? ये जो MDI की क्लास है ना, ये अगर अली ने बनाई है इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और नहीं बना सकता। अगर जैद चाहे तो वो भी इसी नाम से क्लास बना सकता है अलग फोल्डर में, ठीक है भाई? MDI के नाम से जैद ने भी क्लास बनाई, MDI के नाम से अली ने भी क्लास बनाई, लेकिन फाइल का नाम अलग है। क्या मतलब भाई? अली ने एक फाइल बनाई ए और जैद ने एक फाइल बनाई बी। अली ने जो फाइल बनाई है उसके अंदर जो क्लास है उसका नाम है MDI और जैद ने जो फाइल बनाई है उसका नाम बी है लेकिन उसके अंदर क्लास है MDI। दोनों अलग अलग फाइल्स हैं लेकिन दोनों में क्लास सेम है। अब अली ने अपनी MDI क्लास के अंदर ABC मेथड बनाए, तीन मेथड बनाए, और जैद ने अपनी क्लास जो MDI की क्लास थी उसके पास भी सेम, उसने DEF के तीन मेथड बनाए, ठीक है? अब जब आप अली की फाइल ए को और जैद की फाइल बी को एक ही एप्लीकेशन में डाल देंगे और जब आप MDI का ऑब्जेक्ट बनाएंगे MDI क्लास का, MDI OBJ इक्वल टू न्यू MDI, तो फिर उस OBJ के साथ ABC भी आ रहा होगा और DEF भी आ रहा होगा। आ रही है बात समझ में? ये नहीं आ रही, जबकि दो अलग अलग बंदों ने काम किया, क्लास का नाम सेम था बट दोनों की फीचर्स को हम एक साथ यूटिलाइज कर पा रहे हैं एक ही नाम के अंडर में, क्लियर है ये बात सब लोगों को? दिस इज अ पार्शियल क्लास, दिस गिव्स यू अ वे टू वर्क एट योर होम्स। आपके पास अब ये रीजन नहीं रहा कि सर हम एक साथ काम कर सकते हैं बैठकर, अलग अलग कैसे काम करें? हर बंदा अपने घर पे बैठ के काम कर सकता है, बस क्लास का नाम सेम रख ले और उसके बाद मेथड्स आपस में डिस्कस कर ले, मैं ये मेथड बनाऊंगा वो तुम वो मेथड बना लेना और फिर आपस में काम को मिला दो, क्लियर है ये बात? तो ये तो पार्शियल क्लास थी, आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस MDI बाय द वे? MDI स्टैंड्स फॉर मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एक ऐसी विंडो जिसके अंदर चाइल्ड विंडोज खुलें, एक ऐसी विंडो जिसके अंदर चाइल्ड विंडो खुलें, तो ये कैसे होगा? मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि इस एक विंडो के अंदर मैं और भी विंडोज खुलवाऊं? उसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देता हूँ वन टाइम,
फॉन्ट जो मैं थ्रू आउट दी एप्लीकेशन रखूंगा वो सिगोई है, सिगोई यूआई, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी अपने फॉर्म की प्रॉपर्टीज के अंदर हूँ, ओके, और इसका साइज मैंने रख दिया 8 डिफॉल्ट। उसके बाद मैंने इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया ऐसे, ठीक है ना, साइज इस तरह से मैंने इंक्रीज कर लिया इसका, साथ साथ इसको सेव करते रहे। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर इसको इस MDI की प्रॉपर्टी पे चलेंगे, इसकी इस MDI कंटेनर, ये रहा, ये एक इसकी प्रॉपर्टी है इस MDI कंटेनर, इसको मैं ट्रू कर दूंगा तो ये विंडो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्लियर है। वी विल गोइंग टू यूज दिस विंडो एज अ पेरेंट विंडो और इसके अंदर हम अपनी विंडोज को खुलवाएंगे, क्लियर है। अब आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में इस तरह से मेन्यू भी होता है, जिस तरह से ये मेन्यू है, आपने जावा में भी लगाया था मेन्यू, तो यहाँ पर मेन्यूज एंड टूल बार्स के अंदर आएँ और मेन्यू स्ट्रिप उठा के ड्रैग ड्रॉप कर दें। आ गई मेन्यू स्ट्रिप, मेन्यू स्ट्रिप के अंदर आने के बाद इसके अंदर आप अपने मेन्यू का नाम रख लें माय मेन्यू, और इसके बाद अपने मेन्यू को यहाँ पर डिज़ाइन कर लें। अमूमन फाइल लिखा हुआ आ रहा होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, देखा होगा आपने फाइल, आपकी मर्जी है वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो फाइल, और फाइल के अंदर फिर अभी फिलहाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जिट, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको शॉर्टकट भी असाइन कर देते हैं बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन दिस, द प्रॉपर्टीज विल कम हियर, और उसके बाद यहाँ पर एंड में शॉर्टकट कीज आ रही होंगी, यहाँ से आप क्लिक कर लें कि भाई जब आप कंट्रोल और कंट्रोल के बाद जो भी की आप रखना चाहते हैं वो आप रख लें, इधर कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे लेट से या ऑल्टर एक्स प्रेस करेंगे तो फिर क्या होगा, एग्जिट हो जाएगी कंट्रोल एक्स, क्लियर है भाई। कंट्रोल एक्स से आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, लेकिन कैसे होगी, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो हम इसके कोड में आ जाएंगे। देखें मेथड बनाया है, एक इवेंट रेज हुआ है और अब यहाँ पे एप्लीकेशन को एग्जिट करना है, तो एप्लीकेशन लेवल पे जब काम करना होता है तो हम एप्लीकेशन क्लास को यूज करते हैं, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट, दैट्स इट। तो जब आपके पास कंट्रोल एक्सप्रेस होगा या जब यहाँ पे क्लिक होगा तो आपकी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी, बैकएंड से ही बंद हो जाएगी, क्लियर है सब लोगों को ये बात। मैं एक बार फिर रिमाइंड करवा दूं, वी आर क्रिएटिंग अ फाउंडेशन फॉर आवर सॉफ्टवेयर, जब तक बिल्डिंग की बेस नहीं होगी जब तक सॉफ्टवेयर खड़ा नहीं होगा उस पर। आगे चलें, आगे चलते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अनदर क्लास, एक क्लास बना रहा हूं मैं, मतलब एक विंडोज फॉर्म बना रहा हूं मैं, क्लास ही होती है ये, और इसका नाम मैं रख रहा हूं सैंपल, ठीक है। अब देखें एक सॉफ्टवेयर जब होता है तो उसमें बेतहाशा विंडोज आप बनाएंगे, इस चीज़ के लिए भी विंडो, उस चीज़ के लिए भी विंडो, तीसरी किसी चीज़ के लिए भी विंडो, हर किसी में आप कलर वलर भी रखेंगे, फॉन्ट रखेंगे, साइज रखेंगे उसका, बहुत सारी सेटिंग्स करोगे ना बार बार। तो एज अ प्रोग्रामर एंड एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामर ये चीज़ मुझे जेब नहीं देती, मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो एक दफ़ा हो और हर चीज़ के ऊपर अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर काम करना है, मैं वन टाइम यहाँ पर एफर्ट करूँगा। फॉन्ट साइज मैंने यहाँ रखा 9 और उसके बाद फॉन्ट इसका सिगोई यूआई कर लें और बस ठीक है, काफी है। ये मेरे पास एक विंडो बनी हुई आ गई, सही है। इस विंडो को आपने जो साइज रखना है रख लें, अभी तो मसला नहीं है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इस विंडो को मुझे डिजाइन करना है कि किस तरीके से मेरा आउटपुट दिखेगा। मैं यहाँ पर कुछ पैनल्स उठाऊंगा, कंट्रोल कंटेनर्स में आके कंटेनर्स, एंड आई हैव टेकन अ पैनल एंड आई एम कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस। दो पैनल ले लिए। अब पैनल बेसिकली कंटेनर होता है सिंपल। मैं इस पैनल को इस स्क्रीन पे फिक्स कर दूंगा। देखिए सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो हर स्क्रीन के हिसाब से चले, स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो प्रॉपर हो और हर चीज़ अपनी जगह पर फिक्स्ड हो। तो मैं उसके लिए थोड़े से एफर्ट्स कर रहा हूँ, फाउंडेशन बना रहा हूँ, बेस। मैं यहाँ पर आऊँगा, ये पैनल वन है मेरा, देख लें यहाँ लिखा हुआ है। इसको मैं कोडिंग नेम दूंगा, नेम की प्रॉपर्टी में जाकर लेफ्ट पैनल, एनी प्रॉब्लम इन दिस, एंड इसको फिक्स कर दें यहाँ पे ना, डिक्रीज द साइज, नो प्रॉब्लम। दिस वुड बी माय RIGST राइट पैनल, ओके। सो आई एम गोइंग टू प्लेस दिस पैनल एट द लेफ्ट। वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डॉक, डॉक आपके पास इसी सी शार्प के
ट्यूटोरियल्स के अंदर डॉकिंग एंड एंकरिंग के नाम से एक ट्यूटोरियल है, किसी को अगर ना समझ में आए डॉक और एंकर तो फिर आप वहाँ से उस ट्यूटोरियल को पहले देख सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो मैं यहाँ पे डॉक कर रहा हूँ, और डॉक का मतलब होता है किसी जगह पर फिक्स कर देना किसी भी कंट्रोल को। तो यहाँ पर देखें एक विंडो पूरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने, मैं लेफ्ट पे डॉक करना चाहता हूँ ना, देखें पैनल लेफ्ट की साइड के पूरा चिपक गया है। क्लियर है ये बात? ठीक है, दिस इज माई डॉक लेफ्ट, और इसको मैं करता हूँ पूरी स्क्रीन पे चाहिए मुझे ये, तो मैं करता हूँ डॉक फिल। तो दिस इज माई वन पैनल, दिस इज माई सेकेंड पैनल, आई हैव डिवाइडेड माई स्क्रीन इंटू टू। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैं इसके साइज को, बहुत है वैसे तो साइज, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ से साइज को 250 कर लें तो भी चलेगा। इट इज टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का डिजाइन बनाते हो। नाउ आई एम टेकिंग सम मोर पैनल्स फॉर माय वर्क। एक पैनल को मैंने इधर रखा, एक पैनल को इधर रखा, इसको भी सिलेक्ट कर लें कंट्रोल प्रेस करके, इसको भी सिलेक्ट कर लें, दोनों को कर दें डॉक टॉप। इज दैट क्लियर? एंड आई हैव नाउ डिवाइडेड माई स्क्रीन, माई दिस पैनल इंटू टू एंड दिस पैनल इंटू टू। ठीक है, नाउ वॉट आई हैव टू स्पेसिफाई समथिंग एल्स। आई एम सेलेक्टिंग दिस पैनल द मेन लेफ्ट पैनल एंड आई एम अप्लाइंग अ बैकग्राउंड कलर हेयर। लेट्स से आई एम टेकिंग दिस एज अ बैकग्राउंड कलर, और वॉट एवर कलर यू वॉन्टेड टू चूज यू कैन टेक। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एज दिस कलर, बल्कि थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इस पैनल के ऊपर अब देखें, मैं अगर कुछ रखता हूँ यहाँ पे लेबल, ब्लैक कलर में आ रहा है। अगर मैं यहाँ रखता हूँ ब्लैक कलर में आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस फॉर्म के ऊपर जो फॉर कलर है वो ब्लैक है। ठीक है भाई, और इसको सही कर कैसे करें? मैं चाहता हूँ मैं जो भी कलर रखूँ इधर, मैं जो भी चीज़ रखूँ इधर, वो वाइट में आए। तो मैं पेरेंट के ऊपर काम करूँगा हमेशा, बार बार हर हर लेबल को वाइट कलर करने के बजाय मैं जिस कंटेनर में वो पहले लेबल रखा हुआ है उस कंटेनर का ही फॉर कलर वाइट कर दूंगा। क्लियर है ये बात? तो मैं इस कंटेनर पे आया, और इस कंटेनर पे मैंने यहाँ पे क्या किया, कस्टम पे जाकर वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आप ज़रा लेबल रखें, हर लेबल वाइट कलर में आएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं? ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आप लेबल रखेंगे तो ब्लैक में ही आएगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज इसका फॉर कलर ब्लैक है, और इसका फॉर कलर, इस पूरे पैनल का फॉर कलर वाइट है। तो वॉट एवर यू पुट इन साइड दिस पैनल विल बी कम इन वाइट, एंड वॉट एवर यू पुट इन साइड दिस पैनल विल कम इन ब्लैक। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। ओके, नाउ आगे चलते हैं। ये तो मैंने एक जो है वो सेटिंग कर ली, उसके बाद इसको यहाँ पे उठा के रख देते हैं इस लेबल को, और इस लेबल का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं 10 के बजाय यहाँ कर देते हैं 12, और बल्कि 12 भी सही है, चलें 12। वॉट टू डू, मैं चाहता हूँ ये लेबल मेरा एकदम राइट हैंड साइड पे चिपका हुआ हो, तो इस लेबल को मैं कर दूंगा डॉक राइट। ये लेबल जो मैंने यहाँ रखा है इस लेबल के ऊपर देखें ऑटो साइज की प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब जितना ये है उतने ही साइज ऑक्यूपाई करे, बाकी छोड़ दें। मैं इसको ऑटो साइज को फॉल्स कर देता हूँ, तो देखें इसने स्क्रीन पूरी कैप्चर कर ली है। नाउ इस लेबल को मैं इसकी अलाइनमेंट को सेट करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट पर है, इसको सेट करेंगे हम मिडिल सेंटर। क्लियर है ये बात? और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, और ये मिडिल लेफ्ट किया था मैंने, मिडिल राइट कर लें, और इसके ऊपर जो लिखना है वो यहाँ लिखेंगे आप वेलकम। क्लियर है ये बात सब लोगों को? आगे चलते हैं, साइज थोड़ा सा छोटा है, इसको इंक्रीज कर लें आप 15 कर लें, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। नाउ I want another label, so I put this label here and I am increasing the size here 15 and I am putting this label to the dock left and making it auto size false and the text alignment will be center. Clear hai? And I am increasing the size, matlab naam ke liye maine ye label rakha hai taki welcome jo bhi user ho wo likha hua aa jaye. तो यहाँ पे लेबल 3 के बजाय मैं लिख देता हूँ वेलकम यूजर। आगे चलें भाई, ये मेरी एक विंडो है, बताएं एक विंडो पे कितनी मेहनत लगी है। ठीक है, अब अगर मैं और विंडोज बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है थीम तो थीम होती है,
मुझे और विंडोज पे भी यही काम करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये फायदा है कि आपको बार बार एक ही काम करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें, जब मेरा सॉफ्टवेयर खुलेगा तो क्या आना चाहिए? सबसे पहले एक लॉगिन स्क्रीन आनी चाहिए या फिर डेटाबेस की सेटिंग्स आनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो हम लोग एक लॉगिन स्क्रीन बनाते हैं। अब ये बंद कर दूं सब, सबको अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, इन सब को हम यूटिलाइज करेंगे साथ साथ। नाउ आई हैव अ सैंपल, आई हैव MDI विंडो एंड आई हैव program.cs। प्रोग्राम के अंदर जब आप जाएंगे ना तो देखें void main आपके सामने आ रहा है और इसके अंदर कुछ कोड पहले से हुआ हुआ है। और देखें बाय डिफॉल्ट जो एक्टिविटी कह रहा हूँ, जो एप्लीकेशन खुलेगी, जो फॉर्म खुलेगा वो MDI का फॉर्म है, मतलब जो मेरा मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है जिसको मैंने MDI बनाया था, सही है। अब मैं यहाँ पर एक विंडो बना रहा हूँ जिसका नाम मैं लॉगिन रखने वाला हूँ, ऐड विंडोज फॉर्म लॉगिन। ये विंडो आ गई। अब देखें यहाँ पर सारा काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा मुझे दोबारा से? फॉन्ट, कलर, पैनल्स, वेलकम, यूज़र, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मैं एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करूँगा जिसका नाम इनहेरिटेंस है। मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, ये एक तरीका है, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा यहाँ पे, सिर्फ राइट क्लिक करना है आपने, व्यू कोड पे जाना है। इनहेरिटेंस कौन कर रहा है इसको? फॉर्म की क्लास। मैं इसको सैंपल से इनहेरिट कर दूंगा जो कि अभी अभी मैंने विंडो बनाई थी। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दिस। एरर आ गया, कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास इनहेरिटेंस हुई है तो आपकी इस विजुअल स्टूडियो को अपडेट करना पड़ेगा कि भाई ये इनहेरिटेंस यहां से है। तो इसको क्या करना है, आपने बिल्ड क्लीन सॉल्यूशन, सबसे पहले क्लीन हो गया, रीबिल्ड सॉल्यूशन, रीबिल्ड हो गया, इसको क्लोज करें लॉगिन वाली विंडो को और दोबारा से ओपन करें। लुक, इनहेरिटेंस, द चाइल्ड विल टेक ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इट्स पेरेंट। वही हुआ ना, 19-20 का भी फर्क नहीं है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? सो आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ लॉगिन विंडो इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स जस्ट बाय इनहेरिटिंग द सैंपल क्लास। क्लियर है? सैंपल किसको इनहेरिट कर रही थी? सैंपल के जब आप कोड पे जाओगे तो बन गई ना मल्टी लेवल हायरार्की। द लॉगिन विंडो इज द चाइल्ड ऑफ सैंपल एंड द सैंपल इज द चाइल्ड ऑफ फॉर्म। तो गर्ज ये कि लॉगिन जो है सैंपल में जो कुछ होगा सब उठा सकती है, और लॉगिन जो है फॉर्म में जो कुछ होगा वो भी उठा सकती है, और वो उठा भी रही है। क्लियर है ये बात? बट अब यहां पर एक काम है, अगर आप गौर करें हर किसी के साथ एक लॉक बना हुआ आ रहा है और राइट हैंड साइड पे कुछ भी इनेबल्ड नहीं है। ये मेरी लॉगिन की विंडो है। ईच एंड एवरीथिंग इज डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट। आई एम अलाउड टू एक्सेस द पेरेंट प्रॉपर्टीज, सब कुछ उठ के आ गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बट आई एम नॉट अलाउड टू यूज दीज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। फिर मैं अगर इस पैनल में कोई काम करना चाहता हूं तो मुझे इस लॉक को खत्म करना होगा। ये लॉक कहां से आ रहा है? सैंपल से। सैंपल क्लास के अंदर हमारे पास ये सारा का सारा काम यहां पे हुआ हुआ है। मैं इसकी designer.cs में जाऊंगा सैंपल की। मुझे अपने लेफ्ट पैनल को इनेबल करना है, सही है? तो लेफ्ट पैनल को कर दूंगा मैं यहां पे पब्लिक, दैट्स इट। आप प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं ताकि सिर्फ चाइल्ड क्लासेस ही यूटिलाइज कर सकें इसको। ये बात समझ में आती है? मैंने इसको प्रोटेक्टेड किया सैंपल के अंदर, किसको? इस लेफ्ट पैनल को। अब आप लॉगिन पे आए, ताला नहीं हटा अभी भी, आप इसको करें रीबिल्ड। लुक, सारी चीजें इनेबल हो गई और ताला यहां से हट चुका है। क्लियर है? अब ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड के अंदर मैं अपने काम करूंगा ना। मैंने यहां पे इसके कलर को चेंज किया ना कुछ किया, ऑटोमेटिकली वही सेटिंग्स उठ के आ रही है जो कि मैंने सैंपल में रखी थी। क्लियर? उसके बाद यहां पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं लॉगिन के लिए, इसको कुछ यहां कर लें। सही है, जैसा भी आपने साइज रखना है रख लें। नाउ कॉपी दीज टू एंड पेस्ट इट। ओके, इसका नाम हम रख देते हैं यूजर नेम
और इसका नाम रख देते हैं हम पासवर्ड। यहाँ पे पासवर्ड बॉक्स बनाने के लिए इस टेक्स्ट बॉक्स को यूज सिस्टम पासवर्ड करेक्टर, इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया हुआ है मैंने, और इस यूज सिस्टम टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड को ट्रू कर दें आप, ये पासवर्ड बॉक्स बन गया है। क्लियर है? एक और चीज़ जो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ में होती है वो मैक्स लेंथ है। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखते ही नहीं है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी मुश्किल से जो नए लोग होते हैं वो नहीं देखते। इसका मतलब ये है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं 32,000 कैरेक्टर लिख सकता हूँ। 32,000, इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट भाई। आप यूज़र नेम ले रहे हैं ना, यूज़र नेम हद मार के कितना होगा, 30 कैरेक्टर्स का, तो यहाँ पे 30 कर दो या जो भी आपने लेना है वो ले लें। क्लियर है? और पासवर्ड भी कितना होगा, 30। क्लियर है ये बात? तो जो भी आपने सेटिंग लेंथ रखनी है वो रख लें। उसके बाद इनके टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम आप यहाँ नेम के अंदर जाकर यूज़र नेम टेक्स्ट कर दें, और यहाँ पर जो है वो आप इसको पासवर्ड टेक्स्ट कर दें। और अब मुझे एक बटन चाहिए, बटन के लिए मैं यहाँ पे एक बटन ले रहा हूँ। अब बटन देखें बाय डिफॉल्ट ऐसा आ रहा है, ये विंडोज़ की अपनी थीम है। मैंने इस बटन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है, तो इस बटन की प्रॉपर्टीज़ पे मैं जाऊँगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूँगा लॉगिन। इस बटन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैं जाऊँगा फ्लैट स्टाइल पे और इसको कर दूँगा फ्लैट। नाउ इट इज़ गिविंग मी सम सेंस। अब इसकी फ्लैट अपीयरेंस पे जाके बॉर्डर साइज में कर दूंगा 2, सही है? और इसका बॉर्डर कलर अगर मैं कुछ रखना चाहता हूँ तो रख सकता हूँ, वरना मर्जी है आपकी। तो ये मेरा जो है वो एक छोटा सा लॉगिन फॉर्म रेडी है। क्लियर है सब लोगों को? आगे चलें। सबसे पहले जब मैं इस एक्टिविटी को, इस एप्लीकेशन को रन करूँगा तो देखें क्या आता है। आपके सामने जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो फॉर्म खुल के आ रहा है, ना वो सैंपल आ रही है, ना वो लॉगिन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर जो है वो ये फाइल और एग्जिट भी आ रहा है। मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि जब मेरी एक्टिविटी एप्लीकेशन खुले तो क्या हो, सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन आए, लॉगिन स्क्रीन। लेकिन लॉगिन स्क्रीन किस में आए, आप चाहे तो MDI के अंदर भी बना सकते हैं, MDI के अलावा भी बना सकते हैं। सबसे पहले इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ अलग से, क्लास, क्लास का नाम मैं रख रहा हूँ मेन क्लास। आ गए मेन क्लास में। यहाँ पर मैं एक मेथड बना रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो विंडो, ठीक है? और ऊपर मैं यहां पर लिख रहा हूं यूजिंग सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, ताकि मेरे फॉर्म्स की सारी के सारी चीजें मैं यहां पे कॉल कर सकूं। क्लियर है ये बात? अब इस फंक्शन में क्या होगा, मैं एक ऐसा मेथड बना रहा हूं जिस मेथड के जरिए से मैं अपनी विंडोज को ओपन और क्लोज करवा सकूं। क्लियर है ये बात? अच्छा, विंडोज को ओपन क्लोज करवाना है तो विंडो होनी भी चाहिए मेरे पास। इस मेथड में मैं विंडो दूंगा तो वो विंडो ओपन और क्लोज होगी ना। फॉर्म ओपन व्हेन, मैंने एक पैरामीटर बनाया है यहाँ पे फॉर्म टाइप का, जिस तरह हम इंटीजर इनपुट के तौर पे लेते हैं, आज हमने फॉर्म इनपुट के तौर पे लिया है। और दूसरी चीज यहाँ पे हमने किया फॉर्म क्लोज व्हेन, दो लिए दो, ठीक है? और मैंने यह लिखा क्लोज व्हेन डॉट क्लोज, ये मेथड है इसका। इस क्लोज के मेथड से होता यह है कि आपकी जो क्लोज विन वाला फॉर्म होगा ना, ये बंद हो जाएगा, सही है? और ओपन विन डॉट शो, तो जो ओपन विन वाला वो होगा वो स्क्रीन विंडो शो हो जाएगी। लेकिन शो कैसे करवानी है मुझे, MDI में करवानी है। किस में करवानी है, MDI में करवानी है। तो MDI में शो करवाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा यहां पर काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म MDI विन, सही है? कि भाई MDI विंडो इसकी पेरेंट विंडो होगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ओपन विन डॉट MDI पेरेंट इक्वल टू MDI विन डॉट
बस सही है, एम डी आई विन फॉर्म का नाम दे दिया यहाँ पे। उसके बाद ओपन विन डॉट विंडो स्टेट इक्वल टू फॉर्म विंडो स्टेट डॉट मैक्सिमाइज, मतलब मैं मैक्सिमाइज खुलवाना चाहता हूँ। क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? आई हैव टेकन थ्री पैरामीटर्स, एक विंडो लेंगे हम ओपन करवाने के लिए, एक विंडो हम लेंगे क्लोज करवाने के लिए, और एक विंडो लेंगे हम एम डी आई वाली कि जिसके अंदर खुलवानी है हमने। अच्छा आप ज़रा गौर करें, जब पहली दफ़ा हम लोग सॉफ्टवेयर चला रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, इस पहली दफ़ा में तो कोई विंडो क्लोज नहीं हो रही ना, इस पहली दफ़ा में कोई विंडो क्लोज नहीं हो रही। दैट मीन्स यहाँ पर मुझे कोई ऐसा एक ऐसा फंक्शन भी चाहिए जिसमें क्लोज कुछ ना करवाएं, सिर्फ खुलवाएं। तो क्या मैं इसको कॉपी करके इसका ओवरलोडेड वर्जन बना सकता हूँ इधर, और यहाँ से इसको हटा दूँ? दो पैरामीटर, मेथड ओवरलोडिंग हमने पढ़ी है। आई हैव क्रिएटेड अनदर मेथड विद द सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर्स, आई हैव रिड्यूस्ड वन पैरामीटर फ्रॉम इट। क्लियर है ये बात? दो फॉर्म हो गए सेम नाम से, दो मतलब मेथड्स हो गए आपके पास। अब क्या करना है, आपने आना है अपने पास एम डी आई के लोड पर। दिस इज माई एम डी आई विंडो एंड दिस इज द लोड। ये लोड का मेथड क्या करता है, जो ये इवेंट है, जब आपका ये एम डी आई खुल रहा होगा तब कोई एक्शन परफॉर्म होगा। सही है? मैं अगर यहां पे ये लिख दूं लॉग इन, जैसे कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लॉग इन मेरी क्लास है, लॉग इन लॉग इक्वल टू न्यू लॉग इन, और उसके बाद मेन क्लास जो मैंने अभी बनाई है, मेन क्लास डॉट शो विंडो मेथड आ गया। और डॉट मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया मेन क्लास का, क्यों? क्योंकि मेरा शो विंडो का जो ये मेथड है ये स्टैटिक है। सही है? ब्रैकेट ओपन किया, अब देखें ये मुझे एक वन ऑफ टू एंड टू ऑफ टू दोनों मेथड दे रहा है एक ही नाम से। तो मुझे तो अभी सिर्फ विंडो ओपन करवानी है, तो ओपनिंग विंडो किसके नाम से है? लॉग के नाम से। सही है? और अभी मैं कौन सी विंडो के अंदर हूँ? एम डी आई के अंदर है ना आप लोग, तो एम डी आई के अंदर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ दिस, कि जो विंडो खुलवानी है वो लॉग इन है और जिसमें खुलवानी है वो दिस है। क्लियर? अब चलाएं इसको, चेक दिस आउट। तो अब मैं अगर इसको इंक्रीज करूंगा तो देखें ऐसे लगता है एक ही विंडो है और ना ये लॉगिन इससे बाहर जाए, लेकिन अगर आप गौर करें तो यहां पर ये दो दो क्लोज के बटन आ रहे हैं। ये तो गड़बड़ है। इस गड़बड़ को सेट करने के लिए हम लोग जो यहां पे काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि हमारा ये जो सैंपल था ना, इस सैंपल के अंदर कंट्रोल बॉक्स को, ये जो कंट्रोल बॉक्स है, कंट्रोल बॉक्स को कहते हैं ये जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन आ रहे होते हैं, इसको हटाएंगे हम लोग यहाँ से। कंट्रोल बॉक्स फॉल्स, हट गया कंट्रोल बॉक्स। यहाँ जो सैंपल लिखा हुआ है टेक्स्ट में, इस सैंपल को भी हटा दें, टाइटल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से सब खाली हो गया है। अब क्या करना है, चलाएं इसको। लुक, अब क्योंकि मेरी एम डी आई खुद विंडो है तो इसको भी जो है वो हमें फुल स्क्रीन में खुलवाना है। तो एम डी आई पर जाएँ, एम डी आई के फॉर्म को सिलेक्ट करें, मतलब ये एम डी आई विंडो है, और एम डी आई विंडो की विंडो स्टेट को मैक्सिमाइज कर दें, जैसे कि मैंने वहाँ कोडिंग से की थी। एम डी आई को मैक्सिमाइज कर दिया, अब रन करें। लुक, तो एक फाउंडेशन बनाई है हमने और स्क्रीन ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दो अलग अलग विंडोज़ हैं। क्लियर है? कुछ भी काम नहीं किया अभी हमने, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जो कि हमने देखा। आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, इसको हम इस तरह से लेकर चलेंगे कि हर लेक्चर हमारा एटलीस्ट एक घंटे का हो, एक एक घंटे के अंदर हम लोग ये सारा काम वाइंड अप करेंगे, ताकि आप लोग भी ट्राई कर सकें और फिर इसको हम लोग अगली क्लासेस में फिर देखते रहेंगे। तो फिलहाल आगे चलते हैं। अब एक मसला और है। क्या मसला है? मसला ये है, जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे कहीं पर, व्हेन यू विल इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर किसी भी क्लाइंट के कंप्यूटर में, तो जाहिर सी बात है वहाँ डेटाबेस भी होना चाहिए,
डेटाबेस का काम भी होना चाहिए। तो आपका सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट हो कि आप किसी भी कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल करें, डेटाबेस की सेटिंग उस कंप्यूटर के हिसाब से मांगे। ये आपने जावा के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी करवाई है, डेटा इंसर्ट करवाया था, तो वहाँ पे आप क्या कर रहे होते थे? जिस कंप्यूटर पे डेटाबेस होता था वो कंप्यूटर का नाम देते थे, डेटाबेस का नाम देते थे और यूज़र नेम और पासवर्ड देते थे। तो भाई यहाँ पर भी तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही कुछ करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या करें ऐसा कि हमारे पास डेटाबेस की सेटिंग, जब भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें अपना किसी भी कंप्यूटर पे, तो सेटिंग मांगे और सिर्फ एक दफ़ा मांगे, बार बार ना मांगे। ये बात क्लियर है? अब उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? एक फॉर्म बनाते हैं, विंडोज फॉर्म, इसका नाम रखते हैं हम सेटिंग्स। ये आ गई, ये विंडो आ गई। अब इस पर राइट क्लिक करें और व्यू कोड करें, वही जो पुराना काम था। और क्या लिख दें यहाँ पे? सैम्पल। और इसको पहले ही बिल्ड कर दें। बिल्ड हो गया सक्सीड। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएं, लुक क्लियर है नाउ। हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें चाहिए, और वो चीज़ें क्या है भाई हमारे पास? लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, दैट्स इट। क्या साइज इंक्रीज कर दें? ओके, दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज माय सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, देन थर्ड, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं बाद में, वो मसले की बात नहीं है। ये आ गए चार टेक्स्ट बॉक्सेस। उसके बाद मुझे एक चेक बॉक्स चाहिए। क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूँ। आई नीड अ चेक बॉक्स, प्लेस दीज लेबल्स अप्रॉक्सीमेटली वन आफ्टर एन अदर, फॉलो दीज लाइन्स, दिस, ये जो गाइडलाइंस आ रही है ना ब्लू कलर में, इनको आपने फॉलो करना है ताकि हर चीज़ आपका आपका GUI एकदम परफेक्ट हो। नाउ अ बटन, और इस बटन को इसके बराबर कर दें, साइज यहाँ कर दें, फ्लैट अपीयरेंस में बॉर्डर साइज 2 कर दें और फ्लैट कर दें। यू कैन चेंज द बटन कलर्स, जब इस पे माउस जाए तो कौन सा कलर और कौन सा कलर नहीं आएगा वो आप सेट कर सकते हो। इसको कर दें सेव। अच्छा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ सर्वर, यहाँ दे देते हैं डेटाबेस, यहाँ दे देते हैं यूज़र आईडी, और यहाँ दे देते हैं पासवर्ड। मतलब मैंने एक विंडो बनाई है जिसमें ये सारी सेटिंग्स मैं यूज़र से लूँगा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। एक एक मैंने जो है वो चेकबॉक्स लगाया, इसका नाम आप रख लें सर्वर टेक्स्ट। उसके बाद इसका नाम रखें डेटाबेस टेक्स्ट, इसका नाम रखें यूज़र आईडी टेक्स्ट, ये यूज़र टेक्स्ट रख लें, एक ही बात है। उसके बाद इसका नाम रख लें पासवर्ड टेक्स्ट, और इसका नाम रख लें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी चेकबॉक्स, सही है, और इसका नाम रख लें सेव बटन। ये सबसे पहले काम आपने करना है, सही है। एक और काम आपने ये करना है कि इनका टैब इंडेक्स चेक करना है आपने। टैब इंडेक्स किसको कहते हैं? कि जब आप इसके ये फॉर्म के ऊपर आए ना, जब आप टैब की प्रेस करें, माउस की ज़रूरत ही नहीं है, जब मैं टैब प्रेस करूं तो इधर आ जाऊं, फिर नेक्स्ट पे 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 आ जाऊं, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आती है? तो उसके लिए आप व्यू पर जाएँ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है व्यू पर जाने की, लेकिन व्यू पर जाने से टैब इंडेक्स जल्दी सेट हो जाता है।
टैब इंडेक्स हर कंट्रोल के अंदर आ रहा होता है, ये रहा टैब इंडेक्स, क्या रहा टैब इंडेक्स? 2, यहाँ पे 3 होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, 2 के बाद 4, यहाँ क्या आ रहा है 6, यहाँ क्या आ रहा है 8, 2 4 6 8, दैट मीन्स तरतीब से सीक्वेंशियली आगे बढ़ रहे हैं, और हम लोग सीक्वेंशियली ही यहाँ पे चाहिए होता है। आप 0 1 2 3 भी कर सकते थे इसको, ठीक है। और अब मुझे इन सब के साथ एक मामला करना है। अच्छा, चारों टेक्स्ट बॉक्स को एक साथ सेलेक्ट किया मैंने, चारों टेक्स्ट बॉक्स की लेंथ मैं यहाँ पे 100 कर रहा हूँ, सब के सब 100 हो गए, लेकिन जाहिर सी बात है सर्वर नेम इतना बड़ा नहीं होता, आप इसकी लेंथ 50 कर लो, बहुत है। और यहाँ पे डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है, डेटाबेस का नाम 50, यूज़र आईडी 30 और पासवर्ड 30, सही है। और इसको यूज सिस्टम पासवर्ड कैरेक्टर ट्रू कर दें तो ये पासवर्ड बॉक्स बन गया। व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस, लेट मी ओपन SQL। अच्छा, SQL में जरा आप अगर गौर करें, आपने MS SQL पढ़ा है, MS SQL के अंदर सर्वर नेम आ रहा है, ऑथेंटिकेशन में दो तरह की ऑथेंटिकेशन आ रही है, विंडो ऑथेंटिकेशन और SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। ये जो विंडो ऑथेंटिकेशन होती है ना, इसमें यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगते, लेकिन जो SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन होती है ना, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जा रहा होता है। ये बात समझ में आती है? इसी चीज का ख्याल हमने यहां रखा है। अगर यूजर इस पर चेक लगा देगा तो यूजर नेम और पासवर्ड डिसेबल हो जाएंगे, मतलब आई डोंट नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड, आई एम यूजिंग इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, आई एम यूजिंग विंडोज ऑथेंटिकेशन। और अगर मैं यहाँ चेक हटा दूंगा तो फिर यूजर नेम और पासवर्ड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दैट मीन्स के मुझे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन यूटिलाइज करना है। ये कनेक्टिविटी के दो तरीके हैं ना SQL सर्वर से, तो इस वजह से हमने यहाँ पे इसको रखा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मैं जब एप्लीकेशन चला रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन आ रही है, मैं लॉगिन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पहली दफ़ा जब सॉफ्टवेयर खुले ना तो सेटिंग की विंडो आए, सेटिंग की विंडो आए। वो कैसे आएगी? उसके लिए हमें यहाँ पर फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना होगा। इन सबको थोड़ा सा नीचे करें ताकि डिज़ाइन थोड़ा सा बेहतर हो, और लॉगिन पे भी चलें, इस सबको बंद कर दें फिलहाल ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। इनफ। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन अ विंडो बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है भाई? आप इधर आएं और इधर जो आपका वॉइड मेन है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी को ऐड कर रहा हूँ यूजिंग सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट, ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट इनपुट आउटपुट। और यहाँ पर मैं एक इफ़ की कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ एक क्लास होती है आपके पास, फाइल, फाइल हैंडलिंग आपने टर्बो सी में पढ़ी है, फाइल डॉट एग्जिस्ट्स, ये मेथड है, और इस मेथड के अंदर ये मुझसे क्या मांग रहा था, पाथ। यहाँ पर मैं पाथ दूंगा कि किस तरीके से मेरे पास कोई फाइल मौजूद है या नहीं। अगर वो फाइल मौजूद है जो फाइल मैं बनाने वाला हूँ, तो फिर लॉगिन की विंडो खुलवाओ, अदरवाइज कोई और विंडो खुलवाओ। इसको और आसानी से करने के लिए मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, MDI पे चलते हैं डायरेक्ट, इसको बंद कर दें इधर, MDI पे चलें, MDI व्यू कोड, यहाँ पर लिख दें यूजिंग सिस्टम डॉट IO, ठीक है, और MDI के लोड के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर कर दो पेस्ट। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, कौन सी फाइल भाई और कौन सी जगह पर, तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग पाथ, एक वेरिएबल बनाया मैंने, एनवायरनमेंट एक क्लास है मेरे पास, मुझे क्या करना है, माय डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर उठाना है यहाँ से, सही है, माय डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर, एनवायरनमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ ब्रैकेट ओपन एनवायरनमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर आ गया डॉट माय डॉक्यूमेंट्स। ये देखें, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, माय म्यूजिक, माय पिक्चर्स, ये सब विंडोज में होते हैं कि नहीं होते? मैं यहाँ पे ले रहा हूँ माय डॉक्यूमेंट्स। एनी प्रॉब्लम इन दिस?
इससे क्या होगा, गेट फोल्डर पाथ इस माई डॉक्यूमेंट्स के। अब ये देखें विंडोज में जहां जहां आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा वहां पे माई डॉक्यूमेंट्स तो होगा ना, माई डॉक्यूमेंट्स हर विंडोज में होता है, तो जिस भी जगह पर ये माई डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो पाथ इसमें उठ के आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहां चेक करवा रहा हूं कि अगर पाथ में, पाथ के अंदर डबल बैक स्लैश ये फाइल अगर मौजूद है तो कनेक्ट, अगर ये फाइल मौजूद है, कौन सी फाइल कनेक्ट, तो फिर कौन सी विंडो खुलवाओ, लॉगिन वाली विंडो खुलवाओ, सही है। और अगर ये फाइल मौजूद नहीं है तो फिर कौन सी विंडो खुलवाओ, सेटिंग। ये फाइल हम बनाएंगे अभी, ये जो सेटिंग की विंडो बनाई थी ना उसके जरिए हम ये कनेक्ट की फाइल बनाएंगे हम, सही है। तो हम चेक करवा रहे हैं अपने अपने स्टार्टअप पे एमडीआई के लोड पर कि अगर ये फाइल मौजूद है तो फिर लॉगिन की विंडो खुलवाओ, फिर तो हमें डेटा सेटिंग की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ये फाइल मौजूद नहीं है तो फिर सेटिंग्स की विंडो खुलवाओ। और यहाँ लिख देंगे मेन क्लास डॉट शो। अब देखो वरना मुझे शो शो विंडो का कोड दोबारा लिखना पड़ता 3-4 लाइन का, मैंने यहाँ पे वन टाइम किया इसको। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ओपन विन, ओपन विन में लिख दिया सेट, और जिसमें खुलवानी है वो है दिस, सेम कोड है जो ऊपर लिखा हुआ है, बस सेटिंग की विंडो खुलवाइए। अब क्लियर है सब लोगों को? अब इसको रन करें। आर यू नोटिसिंग द चेंजेस? मेरे पास क्योंकि वो कनेक्ट की फाइल मौजूद नहीं है तो इस वजह से ये हो रहा है। क्लियर? अब क्योंकि ये विंडो बाय डिफॉल्ट पहली दफा खुल रही है तो यहां पर मैं चीजें दूंगा और जब सेव करूंगा ना तो वो फाइल बन जानी चाहिए माय डॉक्यूमेंट्स में। क्लियर है ये बात? अब ये काम करते हैं, सेटिंग्स पे चलें, ये आ गई सेटिंग्स की विंडो, और उसके बाद ये आपका सेव का बटन है, इस पर डबल क्लिक कर लें तो सेव के बटन के ऊपर आ जाएंगे, जिस तरह जावा में आप बटन क्लिक पे जाते थे। अब आप यहाँ पर चेक करवा सकते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स खाली तो नहीं है, सारी चेकिंग आप करवाएंगे, फिर आप यहाँ पर आएंगे। मैं यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ, सर्वर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, जावा में गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट होता था, यहाँ पे सिर्फ डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, ये देने के भी काम आती है लेने के भी काम आती है। इफ सर्वर डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, क्लियर है ये बात कि भाई अगर ये खाली ना हो। आगे जाऊं, एंड एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया, और क्या लगाऊंगा, यूजर नहीं, डेटाबेस टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सही है, एक कंडीशन तो ये हो गई। लेकिन भाई मसला ये है कि अगर मैं इस पे चेक लगा दूं तो ये नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, तो यहां पर कंडीशन मल्टीपल्स हो गई। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, इस इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी पे जाता हूं, इस पे डबल क्लिक करता हूं, चेक चेंज का इवेंट रेज हो गया कि जब इस चेकबॉक्स पे चेक होगा इफ इस सीबी डॉट चेक्ड, अगर इस चेकबॉक्स पे चेक हो तो यूजर टेक्स्ट डॉट इनेबल्ड, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई है, इफ यूजर टेक्स्ट डॉट इनेबल्ड, यहां पे अगर चेक्ड हो तो इनेबल्ड कर देना फॉल्स, चेकबॉक्स अगर चेक हो तो ये फॉल्स हो जाए और पासवर्ड भी क्या हो जाए, इनेबल्ड फॉल्स। और अगर चेक हट जाए तो इनेबल्ड ट्रू कर देना, इसको कॉपी कर लें और इसको यहाँ पेस्ट कर लें, इसको यहाँ पे कर दें ट्रू और इसको भी यहाँ कर दें ट्रू, सही है। तो चेक लगने पर ये बंद हो जाएंगे और चेक हटने पर खुल जाएंगे, लेकिन जब चेक लगेगा अगर इसमें कुछ लिखा हुआ हुआ और फिर किसी ने चेक लगा दिया तो भाई फर्श कर लो, यहाँ पे मैंने यूज़र आईडी लिख दी, पासवर्ड लिख दी और फिर इस पर चेक लगाया, तो इसके चेक लगाने पर ये खाली हो जाए, तो ये भी करना है, ये कैसे होगा, यूजर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, सिंपल, पासवर्ड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इस वजह से इक्वल टू लगा रहा हूं ब्लैंक,
क्लियर है सब लोगों को? ओके तो इसको आप चेक कर लें आप चला के देखें, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख पा रहा हूँ अभी, इस पर चेक लगेगा, आपने क्लिक नहीं कर पा रहा, चेक हटेगा, नाउ आई एम अगेन एबल टू राइट। क्लियर है? ये काम किया है हमने अभी तक। तो भाई अगर इस पर चेक लगा हुआ है तो मैं इन दोनों को तो वैलिडेट नहीं करवाऊंगा ना, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी, इफ इस सी बी डॉट चेक्ड, ये सेफ के बटन के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, अगर चेक हो तो अंदर आ जाओ, सिर्फ इतना चेक करना, एल्स अगर चेक ना हो तो फिर क्या क्या चेक करना, चारों को चेक करना, पहले तो सिर्फ दो को चेक करवाया था, अब यहां पे चारों को चेक करवाएंगे कि यूजर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक नॉट इक्वल टू ब्लैंक, सही है, एंड पासवर्ड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, समझ में आ रही है बात? अगर चेकबॉक्स चेक होगा तो इन दो को चेक करेगा, एल्स वरना इन चारों को चेक करेगा। नेस्टेड इफ, हर कॉन्सेप्ट यहां पर यूटिलाइज होगा जो आपने कंसोल में पढ़ा है। ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हम लोग यहां पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग, अच्छा इस स्ट्रिंग को आप ऊपर यहां पर भी बना सकते हो वन टाइम, स्ट्रिंग एस, अच्छा अब यहां पर लिखो एस इक्वल टू डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए जो सबसे पहला काम होता है वो हम यहां देते हैं डेटा सोर्स, ठीक है। अब डेटा सोर्स में आपके सर्वर का नाम आएगा, ये जो सर्वर का नाम यहां पे आप ले रहे हैं जो टेक्स्ट बॉक्स में है ना, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉन्कैटिनेट करके सर्वर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, आ गया इसके साथ, फिर कॉन्कैटिनेशन और सेमीकॉलन, पहली बात पूरी हो गई। दूसरा काम इनिशियल कैटालॉग, इनिशियल कैटालॉग में आप डेटाबेस देते हैं, क्या देते हैं, डेटाबेस, इनिशियल कैटालॉग इक्वल टू और उसके बाद कॉन्कैटिनेशन और डेटाबेस टेक्स्ट जो मेरा डेटाबेस का टेक्स्ट बॉक्स है, क्लियर है, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन, अब यूजर नेम पासवर्ड तो यहाँ देना नहीं है तो आप यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेटेड जो मैंने सामने लिखा हुआ है, सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, सही है, बस काम पूरा हो गया यहाँ पे, सेमी कॉलन, ये मेरा आ गया काम। इसी तरह से इसको कॉपी कर लें, लेकिन अगर ये मामला होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा डेटाबेस के बाद, यूजर आईडी इक्वल टू और यहाँ पर हम दे देंगे यूजर नेम टेक्स्ट, यूजर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट और फिर पासवर्ड भी देना होगा, सेमी कॉलन, पासवर्ड कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ, क्लियर तो हो रहा है ना सब लोगों को, इक्वल टू लास्ट थिंग इज पासवर्ड टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट और उसके बाद कॉन्कैटिनेशन, सेमी कॉलन, सही है भाई, दोनों में अलग अलग काम किया है। कुछ पूछना है? दिस इज कनेक्शन स्ट्रिंग गाइज, कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग के बगैर डेटाबेस कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। और ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनवाया है इधर कुछ हार्ड कोडेड किया है, क्योंकि यूजर तो सिर्फ ये चीज़ें देगा ना जो यहाँ पे मैंशनड है, बाकी चीज़ें मैंने हार्ड कोडेड की हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, सही है। अब ये जो मैंने मंगवाया है इसको मैं फाइल में राइट करवाऊंगा, सिस्टम पे फाइल में राइट करवाऊंगा, और वो कैसे होगा, स्ट्रिंग पाथ, ये मेरी सेटिंग की क्लास है, सही है ना, सेटिंग स्ट्रिंग पाथ इक्वल टू वही वाला काम, एनवायरमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ ब्रैकेट ओपन क्लोज और एनवायरमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर डॉट माई डॉक्यूमेंट्स, माई डॉक्यूमेंट्स का पाथ उठ गया रहेगा इसमें। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, फाइल, देखें फाइल नहीं आ रही, अगर कभी ऐसा हो ना क्लास ना आ रही हो तो इस पे लाके कंट्रोल डॉट प्रेस करें तो आ जाएगा, ये देखें यूजिंग सिस्टम डॉट आईओ वो ऊपर लग गई होगी, ये देखें, सही है फाइल। अब फाइल बनानी है
मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, फाइल डॉट राइट ऑल टेक्स्ट। इस मेथड का फ़ायदा ये है, ये फाइल बनाता भी है और उसमें राइट भी कर देता है कंटेंट, और अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई होती है तो ओवरराइट कर देता है उसको, ये मेथड। तो राइट ऑल टेक्स्ट, और इसके अंदर ये मुझसे क्या मांग रहा है, सबसे पहले इट इज़ आस्किंग मी फॉर पाथ, कहाँ पर फाइल बनानी है। मैंने कहा कि पाथ के वेरिएबल में फाइल, पाथ के अंदर जो पाथ है उसके अंदर वहाँ पर बनानी है, और क्या लिखना है उसमें, मैंने कहा एस लिखना है उसमें, जो एस में है। सिंपल, क्लियर है ये बात। इसको कॉपी कर लें और उसके बाद इसको यहाँ पर, यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर दें। तो अगर ये होगा तो यहाँ ऐसी फाइल बन जाएगी, वरना ऐसी फाइल बन जाएगी। बन गई फाइल, जब फाइल बन गई तो अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स शो करवाना है कि हाँ भाई फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड। क्लियर है, फाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड, मैसेज बॉक्स लगाना है। तो फिर उसके लिए मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, डायलॉग रिजल्ट, ये एक क्लास है, ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद डायलॉग रिजल्ट इक्वल टू, आपके पास एक क्लास है मैसेज बॉक्स डॉट शो। मैसेज बॉक्स जावा में हम लगाते थे ना मैसेज बॉक्स, इसी तरह यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो, और ये मुझसे सबसे पहले मांग रहा है टेक्स्ट जो मुझे दिखाना है। सेटिंग्स सेव्ड सक्सेसफुली, मैसेज दिखाया। उसके बाद कैप्शन, कैप्शन मतलब मैसेज बॉक्स की हेडिंग, इंफॉर्मेशन, सही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मैसेज बॉक्स बटन्स, मैसेज बॉक्स पे बटन कौन से आएंगे, तो मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके, ओके का बटन चाहिए मुझे मैसेज बॉक्स पे। और उसके बाद मैसेज बॉक्स आइकन्स डॉट इन्फॉर्मेशन, आप एरर वेरर भी दिखा सकते हो, सारा दिखा सकते हो आप। ये मैसेज बॉक्स कंप्लीट तरीके से लगाया हमने। इस मैसेज बॉक्स के बाद मैं चाहता हूँ जैसे ही बंदा ओके करे ना, तो हम डायरेक्ट लॉगिन की विंडो पे चले रहे हैं, सेटिंग सेव ओके, हम डायरेक्ट लॉगिन की विंडो पे चले रहे हैं। तो इफ़ डी आर इज इक्वल टू डी आर के अंदर आपका मैसेज बॉक्स है, डायलॉग रिजल्ट ये आपके पास प्रॉपर्टी है डॉट ओके, कि अगर ओके हो डी आर के अंदर, अगर ओके का बटन प्रेस हो जाए मैसेज बॉक्स के, तो फिर क्या करो, लॉग इन लॉग इक्वल टू न्यू लॉग इन, और अब मेरे पास मेन क्लास तो है ना, वहां पे मेन क्लास डॉट शो विंडो, बट दिस टाइम आई एम इन सेटिंग्स विंडो। सेटिंग खुद चाइल्ड है, सेटिंग को बंद करवाना पड़ेगा और लॉगिन को खुलवाना पड़ेगा, और लॉगिन को एमडीआई का पेरेंट भी बनाना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे, यहां पर आज हम लोग ये वाला मेथड यूज करेंगे अब। तो लॉग, पहली ये विंडो जो खुलवानी है, जो विंडो बंद करवानी है वो दिस है, समझ में आ रही है बात, दिस सेटिंग की विंडो बंद करवानी है, और एमडीआई विंडो जो जिसको पेरेंट बनाना है डॉट एक्टिव फॉर्म, इसको अब ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ये मैसेज बॉक्स सेटिंग सेफ हो जाएंगी उसके बाद, क्लियर है सब लोगों को। और अगर यूजर कुछ छोड़ दे ब्लैंक, तो फिर यहां पे एक मैसेज बॉक्स और शो करवा दें, क्या मैसेज बॉक्स, अच्छा मैसेज बॉक्स का ये शॉर्टकट है, एम बॉक्स लिख दें, ऑल प्लीज गिव कंप्लीट डेटा टू कंटिन्यू, ठीक है भाई, ये हो गया। इसी तरीके से इसको कॉपी कर लें और इसके एल्स पे, बल्कि पूरा एल्स ही कॉपी कर लें और यहाँ पे लगा दें, पेस्ट, सही है, ये हो गया, सारा काम हो गया। अब चलाएं अपनी एप्लीकेशन, देखें मैं जब सेव पे क्लिक कर रहा हूँ क्या कह रहा है, मैंने अभी सिंपल मैसेज बॉक्स लगाया है, ना कोई आइकन आ रहा है ना कोई हेडिंग आ रही है, और ये मैसेज इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इस कोड को वहाँ लिख दिया गलती से, ये जो वाला कोड है, इस कोड को आप यहाँ से हटाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे इधर, जब फाइल बनेगी तभी ये आना चाहिए ना, हर बार आ जाएगा वरना, अब सही है। अब चलाएं इसको, तो देखें अब मैं जब कर रहा हूँ तो ये आ रहा है लेकिन और कोई मैसेज नहीं आ रहा, ठीक है। हम लोग जब SQL कनेक्टिविटी करते हैं तो अभी SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से करते हैं, सर्वर नेम मेरे पास यहाँ पर जो आ रहा है वो ये आ रहा है, आप चाहें तो IP एड्रेस भी दे सकते हैं, सही है भाई, अगर आप नेटवर्क के ऊपर इंस्टॉल वो कर रहे हैं तो मैंने यहाँ दे दिया दिस। डेटाबेस में मेरे पास मैंने कहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम DB, ठीक है,
यूज़र आईडी में मैंने लिखा ऐसे और पासवर्ड यहाँ पे दे दिया मैंने, क्लियर है। और अब कर रहा हूँ मैं सेव। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आई है, वो ये कह रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर जो है वो एक्सेस डिनाइड है। अच्छा, वजह ये है कि एक मिनट, मैंने गड़बड़ यहाँ पर ये कर दी कि ये जो फाइल मैं राइट करवा रहा हूँ, इस फाइल के अंदर मुझे एक काम और करना पड़ेगा। पाथ, मैंने ये तो बताया नहीं फाइल बनाओगे कौन सी, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा, कनेक्ट की फाइल बनानी थी मुझे, ये काम मैंने मिस कर दिया था, सॉरी। कॉपी इट एंड वेयर इज़ द अदर वन, ये रहा, सही है। अब चलाएं इसको, ओके। सर्वर नेम, सॉरी, सर्वर नेम में आ जाएगा, लैब फोर या जो भी आपके पीसी का नाम है वो। उसके बाद डेटाबेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम अंडरस्कोर डीबी लेट से, या जो भी आप नाम दे दें, यूज़र एंड पासवर्ड, सही है। अगर विंडो ऑथेंटिकेशन है तो इस पर चेक लगा के सेव कर दीजिएगा बस। देखें, आइकन भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, सेटिंग्स है सक्सेसफुली। अब जब मैं ओके करूँगा तो मैं लॉगिन पे जाना चाहिए, और मैं देखें लॉगिन पे आ गया हूँ। अब मैं सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा ओपन करता हूँ तो क्या खुल रही है, क्योंकि अब मेरी वो कनेक्ट की फाइल एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे आए ज़रा डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद ये देखें, और इस फाइल को जब मैं खोलूँगा, क्योंकि इसकी मैंने कोई एक्सटेंशन तो दी नहीं थी, तो नोटपैड पे खुलवा लें इसको, तो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पर आ रहा है, जो टेक्स्ट बॉक्स से चीज़ें ली थी वो यहाँ पर आ रही है। क्लियर है, सब लोगों को समझ में आ गई बात। तो ये यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम इसको मज़ीद आगे काम करेंगे इसके ऊपर। क्लियर है सब लोगों को, इसको ज़रूर देखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।